पराली प्रबंधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय सरकार पराली का बहाना लेकर उन पर केस और जुर्माना थोप रही है। देखिए रिपोर्ट। पराली प्रबंधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार का फेलियर बताया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार पराली का बहाना लेकर उन पर केस और जुर्माना थोप रही है, जबकि सरकार को पराली की एमएसपी निर्धारित करके उसकी खरीद करनी चाहिए और किसानों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें समस्या का समाधान देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भविष्य में यूरिया को लेकर भी सरकार की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही और आशंका है कि जब किसानों को यूरिया की जरूरत पड़ेगी तब भी यही हाल होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है तो फिर किसानों की इतनी लंबी लंबी कतारें क्यों लगी हैं? क्यों एक एक बैग खाद के लिए किसानों का इंतजार करना पड़ रहा है? जब डीएपी तो जब जरूरत थी जब तो लोगों को मिला नहीं, अब भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। अब भी जो डीएपी आना चाहिए था वो नहीं है। लोग अभी लाइन में, अगर डीएपी अवेलेबल है सारे लाइन में खड़े होने की क्या जरूरत है? एक आदमी की डेथ का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, असलियत क्या है वो तो उसके घर वाले बताएंगे ना। तो डीएपी की शॉर्टेज है, आगे यूरिया की शॉर्टेज आने वाली है। यूरिया का बिल का पूरा नहीं है, अब यूरिया की जरूरत होगी उसमें देख लेना आप। बात हमारे समझ करें, हमारे सामने तो कभी शॉर्टेज हुई नहीं खाद की। खाद पहली दफा पुलिस के थानों में इनकी बटा है, पुलिस के थानों में बांटा गया। हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने हरियाणा को विकास में नंबर वन बनाया था, जबकि बीजेपी ने गरीबी में नंबर वन बना दिया। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज हरियाणा की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई। ये बीजेपी सरकार की नाकामी का स्पष्ट रिपोर्ट कार्ड है। बीजेपी को बताना चाहिए कि उसके विकास के दावों और किसानों के डबल आई के वादों का क्या हुआ। अगर बीजेपी कार्यकाल में विकास हुआ तो फिर इतनी बड़ी आबादी गरीब कैसे हो गई? मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया वो रेलेवेंस नहीं था भाई। 10 साल की अचीवमेंट बताओ आप। मैंने कहा उनको भाई एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही तो प्रदेश की जो है गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स हैं। उसमें क्या किया 10 साल उन्होंने? कोई वो उनका जवाब तो सुझ बक्सा है। एक इंस्टीट्यूट उन्होंने नहीं बनाया 10 साल में। तो अब अपनी तो अचीवमेंट बता नहीं रहे, 10 साल पहले की जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। वो तो एक नंबर वन स्टेट थी देश में पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, लॉ एंड ऑर्डर में वो नंबर वन स्टेट थी। आज हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है, आज नंबर एक हो गया अनएम्प्लॉयमेंट में। और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की आपको मालूम पता ही है क्या स्थिति है। हरियाणा के अलग विधानसभा के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि सरकार को चंडीगढ़ पर अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। चंडीगढ़ में 40% हिस्सेदारी हरियाणा की है, इसलिए मौजूदा विधानसभा के साथ ही नई विधानसभा का निर्माण होना चाहिए, ना कि कहीं दूर दूसरी जमीन पर। साथ ही पंजाब के साथ पानी और हिंदी भाषी क्षेत्र के मुद्दों पर भी पुरजोर तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए और हरियाणा को उसका हक लेना चाहिए। नहीं, क्या इशू? मेरा तो मैं तो शुरू में जब ज्ञानचंद जी ने कहा था उस टाइम भी मैंने कहा था भाई ये हेरिटेज सिटी है, लेकिन एक प्रोसीजर है, अगर आप कर सकते तो यही बनाओ, अपने असेंबली इजाजत लेके यहाँ बनाओ। एक तो 5 साल में तो मिल जाती है, हाई कोर्ट ने भी तो ले लिया, हाई कोर्ट की भी तो एक्सटेंशन हुई है ना पहले से, जो ओरिजिनल हाई कोर्ट देखो उसके बाद हाई कोर्ट में और कोर्ट रूम बने, तो यहाँ एक असेंबली हॉल क्यों नहीं बन सकता? अपना हिस्सा पंजाब से क्यों नहीं ले सकते? 40% हमारा इस असेंबली में हिस्सा है, फिर जो है अब वो हमारे पास 30% भी नहीं है मेरे ख्याल में। कितना परसेंट है? 27% है। 40% अपना लो, अपने इसके लिए लड़ो। कल को तो पंजाब वाले कहेंगे सेक्रेटरीट भी खाली करो। बहरहाल भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद अब तक बीजेपी के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं, जबकि कांग्रेस ने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने और कानून व्यवस्था में हरियाणा को नंबर वन राज्य बनाना था। ऐसे में 10 साल पहले की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी सवाल उठा रही है, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।